खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा दमोह के फतेहपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने के बाद सामने आए हादसे में मृतकों की संख्या 4 हो गई है। देर रात मौके पर 2 लोगों ने दम तोड़ा था, जबकि 2 लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर ने जिला अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस मौके पर डीएम ने मृतकों के परिजनों को तात्कालिक रूप से 25-25 हज़ार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। वहीं घायलों के बेहतर इलाज की बात कही है। कोचर के मुताबिक फिलहाल 4 मौतों के बाद एक मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि दमोह और हटा के अस्पतालों में भर्ती मरीज खतरे से बाहर हैं। कलेक्टर ने प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एक टीम अस्पताल में तैनात की है, जो मरीजों की समस्याओं को देखेगी। कलेक्टर ने बताया कि हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। वहीं अभी तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक घूगस गांव के एक परिवार में नया ट्रैक्टर आया था और सोमवती अमावस्या भी थी, जिस कारण उस परिवार और आसपास के लोग छतरपुर के जटाशंकर धाम जा रहे थे कृषि कार्य के लिए। बनाए गए ट्रैक्टर ट्राली में सफर की बात पर कलेक्टर का कहना है कि इस मामले में लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और आरटीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसे वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई भी करे। जिस घूगस गांव के लोग हादसे का शिकार हुए, वो इलाका प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का विधानसभा क्षेत्र है। मंत्री पटेल ने एक्स पर ट्वीट करते हुए हादसे पर दुख जताया है और घायलों के उचित इलाज का आश्वासन दिया है। जो आज एक कल देर रात एक जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, उसमें घूगस गांव के हमारे कुछ लोगों को दुर्घटना के कारण जो है असमय मौत का सामना करना पड़ा है। इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है इस घटना में और जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज 2 जगह चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज बटियागढ़ से उनको हटा ले जाया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और वहाँ पर सभी डॉक्टर्स उनकी ठीक से देखरेख कर रहे हैं। हमारे एक नायब तहसीलदार को भी वहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया है, और जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार जितने मरीज हटा में हैं वो सभी स्वस्थ हैं और वो खतरे से बाहर हैं। और जो मरीज यहाँ पर एडमिट हैं जिला अस्पताल दमोह में, आज मैंने उन सभी को जा करके उनसे मैंने मुलाकात की है। मैक्सिमम लोगों को आर्थोपेडिक यानी कि अचानक झटका लगने से जो चेस्ट पर या पीठ पर जो चोट लगती है उस तरह की चोट लगी है, तो उन सब का जो है एक्सरे तत्काल कराया जा रहा है। जिनको ज़्यादा चोट लगी है उनको सिटी स्कैन कराया जा रहा है। ऐसे एक मरीज हैं जिनका सिटी स्कैन अभी कराया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर सोनोग्राफी कराई जा रही है। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं, एक व्यक्ति स्टेबल हैं। हम लोग लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। हमारे SDM, हमारे तहसीलदार भी यहीं हैं जो पथरिया के हैं। एक नायब तहसीलदार को हमने यहाँ पर डिप्यूट किया हुआ है इन सभी लोगों की देखरेख में समन्वय के लिए। सिविल सर्जन और सभी जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों को निर्देशित किया गया है कि इनका लगातार हमारी पूरी यूनिट ध्यान रखे, आवश्यक चेकअप कराए जाएं और इनको पर्याप्त दवाई उपचार वगैरह सब कुछ समय से मिले ताकि ये लोग सभी स्वस्थ हो सकें। ट्रैक्टर ट्राली है, ये कृषि यंत्र में आते हैं, कृषि के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन उस पर जो लोग हैं वो सवार हो रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, सड़क हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। अभी जो ड्राइवर है वो भी यहीं पर एडमिट है, तो अभी चूँकि वो इस स्थिति में नहीं है, थोड़ा ऐसी स्थितियों में थोड़ा मनोवैज्ञानिक असर होता है इन चीज़ों का, तो थोड़ा समय लगेगा। तो जब वो स्टेबल होगा तो उसके बाद हम उनसे पूछेंगे कि किन परिस्थितियों में ये ट्रैक्टर ट्रॉली गई है, क्या हुआ है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने तात्कालिक सहायता के तौर पर जो मृतक परिवार हैं उनके लिए हमने 25-25 हज़ार रुपये और जो घायलों के परिवार हैं उनके लिए 10-10 हज़ार रुपये की सहायता स्वीकृत कर दी है। ये केवल तात्कालिक सहायता है। सर, हादसे में कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है और कितने गंभीर रूप से घायल हैं? 4 लोगों की मृत्यु हुई है और
एक जो मुझे लग रहा है पेशेंट गंभीर रूप से घायल है, बाकी सभी लोगों की ऐसी चीज़ों में देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब कोई, जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि उन्होंने बिल्कुल नया ट्रैक्टर खरीदा था, और नया ट्रैक्टर खरीदने के कारण ये होता है सामान्य तौर पर भारतीय परिवारों में कि वो नए वाहन को लेकर के मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वो उस कारण से वो दर्शन के लिए जा रहे थे जटाशंकर, जो कि छतरपुर ज़िले में। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जिस पर कोई व्यवहारिक रूप से एकदम से नियंत्रण करना तो संभव नहीं है, लेकिन यस दो काम हम करेंगे ज़रूर। एक तो लोगों को जागरूक किया जाएगा कि इस तरह से जो है वाहनों पर सवारी करके और जिस कार्य के लिए वाहन का उपयोग होता है उसमें किया जाए, और इस तरह की परिस्थितियों से बचा जाए। यदि वो जाते हैं इस तरह से तो उसका एक जो मापदंड है उसका पालन करने के लिए भी हम एक SOP जारी करेंगे, और साथ में यदि मान लीजिए हमारे RTO को भी मैं निर्देशित करूंगा कि लगातार इस चीज़ों का वो इंस्पेक्शन करते रहें, और यदि कोई इसमें खामी पाई जाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वाशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। हालांकि पुलिस अधीक्षक का कहना है